सही गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। मेरा नाम है मनीष सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मजीद, और आपका स्वागत करता हूं मैं टीवी टेक गुरु मजीद के अंदर, जिसके अंदर हम आपके द्वारा पूछे गए सवालों के जो है जवाब देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज का ये पॉडकास्ट। तो पहला जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है कि सर, मैं एक ISP कंपनी में काम करता हूँ, कंप्यूटर हार्डवेयर नेटवर्किंग किया हूँ, मैं कौन सा ऐसा कोर्स करूँ कि अपने आप को इंक्रीज कर सकूँ? देखो, अपने आप को जहाँ तक इंक्रीज करने की बात है, यानी कि एनहेंस करने की बात है जो आप पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर पहला तो आप अगर किसी भी नए डोमेन में जाना चाहते हैं तो आपने वो लिखा नहीं है। मैं एक जनरल आंसर दे देता हूँ। जैसा कि आपने बोला कि आप एक ISP में काम कर रहे हैं, तो ISP में ही अगर और आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जो है नॉलेज होना चाहिए अबाउट द नेटवर्किंग, और आगे और क्लाउड साइड पे बढ़ना चाहते हैं यानी कि डोमेन चेंज करना चाहते हैं, तो आपको नेटवर्किंग का नॉलेज होना चाहिए, सर्वर्स का नॉलेज होना चाहिए, क्लाउड का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर आप एक सिक्योरिटी साइड पे जाना चाहते हैं तो सिक्योरिटी साइड में जाने के लिए आपको जो है यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है आपका साइबर सिक्योरिटी, यानी कि जो आपके फायरवॉल्स वगैरह हैं उनका आप कोर्सेज कर सकते हैं, और उसके बाद साइबर सिक्योरिटी हो गया, एथिकल हैकिंग वगैरह हो गया, ये सभी कोर्सेज अगर आप कर लेते हैं, सारे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप किसी स्पेसिफिक डोमेन में जाना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप नॉलेज लें। लेट्स से अगर आप नेटवर्किंग में जाना चाहते हैं तो CCNA के बाद CCNP CCI कर लीजिए। अगर आप जो है क्लाउड में जाना चाहते हैं तो आप MCSA और आप AWS वगैरह या Azure वगैरह कर सकते हैं। अगर आप जो है सिक्योरिटी साइड में जाना चाहते हैं तो फायरवॉल्स हो गया, साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग वगैरह के लिए आगे बढ़ सकते हैं। तो बेसिकली जिस भी डोमेन में जाना चाहते हैं उस तरीके के कोर्सेज जो है अगर आप कर लेते हैं तो आपका नॉलेज भी एनहेंस हो जाएगा, तो डेफिनेटली आपका करियर एनहेंस ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। हाय सर, दिस इज दुर्गा फ्रॉम हैदराबाद। FTP सर्वर सिलेक्शन और कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? प्लीज मेक अ ब्रीफ वीडियो रिगार्डिंग FTP सर्वर कॉन्फ़िगरेशन। देखो, FTP सर्वर कोई बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है कि आपको एक प्रॉपर वीडियो बना के चाहिए उसके ऊपर में, तो डेफिनेटली मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीक के अंदर जो है कोशिश करूंगा कि आपके लिए वीडियो जो है FTP सर्वर का पूरा राइट फ्रॉम बिगनिंग, कि किस तरीके से सर्वर पे उसका जो है कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है, इंस्टॉलेशन किया जाता है फीचर का, फिर उसमें क्या क्या इंस्टॉलेशंस कॉन्फ़िगरेशंस करनी होते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, और किस तरीके से वो फिर काम करता है, ये पूरा का पूरा जो प्रैक्टिकल वीडियो है वो आपको आने वाले हमारा वीक के अंदर जो है ये वीडियो अपलोड हो जाएगा टेक गुरु मंजीत के ऊपर में, सो और हमारी TGM अकेडमी वाले चैनल पे, तो आप जहां पर भी देखते हैं वहां पे आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। आई डोंट हैव एनी डिग्री बट आई लव नेटवर्किंग, व्हाट कैन आई डू प्लीज? यू डू नॉट हैव एनी डिग्री बट यू लव द नेटवर्किंग। सो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अगर आप एक 12th पास हैं और उसके बाद में भी अगर आप नेटवर्किंग में आपकी हॉबी है, आपको इंटरेस्ट है, तो डेफिनेटली आप नेटवर्किंग में ज्वाइन कर सकते हैं, और इसे में आप जो है हमारा CCNA 200-301 का जो लेटेस्ट कोर्स है उसको आप कंप्लीट कर लें ताकि आपको नेटवर्किंग का पूरा नॉलेज आ जाए, और उसके बाद जो है आप अपने करियर की शुरुआत जो है नेटवर्किंग फील्ड IT फील्ड के अंदर कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि सर, सपोज सेंट्रल SD-WAN के रिगार्डिंग भी बताइए। सोफोज सेंट्रल SD-WAN, बेसिकली आपने ना यहाँ पे कुछ स्पेसिफाई नहीं करा अपने क्वेश्चन में कि आप SD-WAN में क्या जानना चाहते हैं, तो अगर कुछ स्पेसिफिक है तो मैं तो रिक्वेस्ट यही करूंगा कि जो हमारा कोई भी वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में आप अपना जो पूरा डिटेल्ड क्वेश्चन डालें, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम जो हमारी टीवी टेक गुरु मंजीत का जो सेशन होगा उसके अंदर जो है मैं आपके क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से आंसर करूं। और फिर जो है SD-WAN की जहां तक बात है, कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सोफो सेंट्रल की बात है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं, बस आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बट आपने अपनी एग्जैक्ट जो रिक्वायरमेंट है वो नहीं डाली है, वो नहीं बताई है, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको कुछ स्पेसिफिकली डिटेल जो है वो नहीं दे पाऊंगा। लेकिन अगर आप अपना क्वेश्चन को डिटेल में बता दें तो डेफिनेटली जो है मैं आपके क्वेश्चन का टू द पॉइंट जो है एड्रेस करूंगा जी। एंड लास्ट क्वेश्चन आ रहा है सर कि वेटिंग फॉर VPN एंड साइबर सिक्योरिटी सर, लव्ड योर कंटेंट।
फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट कि लव योर कंटेंट, बिकॉज़ आपका ये जो कमेंट है, ये जो प्यार है, वो वाकई हमें जो है बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है मुझे, ताकि हम जो है और ज्यादा से ज्यादा कंटेंट जो है वो आपके लिए, वैल्यूएबल कंटेंट जो है वो आपके लिए अपलोड कर सके, ताकि आप अपने करियर में जो है उस नॉलेज को यूज करें और अपने करियर में आगे बढ़ सकें। सो जहां तक आपकी जो क्वेश्चन है कि आपको वीपीएन और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड वीडियोस चाहिए, तो वो डेफिनेटली आपको बहुत जल्द जो है हमारे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएंगे। आई होप गाइस कि आज जो भी आपके क्वेश्चंस थे वो मैंने एड्रेस करे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के डिटेल जो है वो नहीं बताए आपने, इस वजह से जो है मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर नहीं कर पाया हूँ। आई वुड लव टू आंसर योर क्वेरीज, बस उसके लिए एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो भी क्वेश्चन पूछें डिटेल में पूछिए, ताकि आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है वो मैं आप हमारे जो ये वीकली आने वाला जो टी विद टेक गुरु मंजीत है उसके अंदर मैं आपको आंसर कर सकूं। फिर मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ, एक नए टाइटल के साथ, एक नए अमेजिंग जो है क्वेश्चंस के साथ में, नई क्वेरीज के साथ में। अगर आपको जो है हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है और हमारी ये सीरीज जो है वो पसंद आ रही है, तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और इस तरह का अगर आपको कॉन्टेंट पसंद है तो नए हो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।